कभी कभी क्या होता है, लोग अपनी स्टील की सिंक को हार्पिक वगैरह मार करके या शीट से काला कर लेते हैं। तो आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। पहले ही बार से दोस्तों बिल्कुल चमकदार होना शुरू हो जाएगा, चाहे स्टील की सिंक हो चाहे स्टील की ग्रिल हो, उसको कैसे चमकाना है, कैसे मतलब गंदगी को छुटाना है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, मात्र एक इनो लिया है मैंने, ठीक है, मात्र 10 रुपये के खर्चे में आप कैसी भी स्टील के सिंक को चमकदार बना सकते हैं। साथ ही साथ एक और मैं इसमें टिप्स देने वाला हूँ इस वीडियो के लास्ट में। जैसा कि अभी देख रहे हैं ना, ऐसे कीड़े मकोड़े आते हैं, ये देखिए इस तरह से, तो ये ना ये दोस्तों क्या करना है, लास्ट में बताऊँगा इसमें क्या रखना है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी यूजफुल टिप्स मिलती रहेंगी। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको इस तरह से धो लेना है। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पे इस तरह से ना इसको हल्का हल्का चारों तरफ इसको ना डाल लेना है यहाँ पे। विटामिन सी और फोलिक एसिड भरपूर होता है इनो के अंदर, जिस तरह से पेट को क्लीन करता है ना, उसी तरह से दोस्तों ये स्टील वगैरह को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए इस तरह से डाल करके 5-7 मिनट के लिए छोड़ देना है। लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा जिससे दोस्तों कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं, यहाँ तक कि दोस्तों बदबू भी आपकी नहीं रहेगी, जो एक चीज़ लास्ट में दोस्तों इसमें मैं रखने वाला हूँ, ठीक है। तो अब दोस्तों करना क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने एक जूना लिया है जो कि बर्तन साफ़ करने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए 5-7 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था, अब इसको ना इस तरह से रगड़ेंगे। अगर गलती से हार्पिक यूज कर लिया है ना, तो इससे बेस्ट दोस्तों उपाय कोई भी नहीं है, लेमन वगैरह ले सकते हैं, देसी चीज़ों से ही दोस्तों चमक आएगा स्टील पर। देखिए इस तरह से ना स्टील में जैसे जंग लग जाता है देख सकते हैं, तो इसके लिए मैं बता चुका हूँ, हल्का सा नमक ले लेंगे, चाहे कोई भी नमक हो, इस तरह से डाल देंगे जहाँ जहाँ जंग लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से, और जूना से इसको रगड़ देंगे। ये देखिए जंग का निशान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है दोस्तों नमक और लेमन से। यहाँ पर देखिए इसको छुटाएंगे, अभी देख सकते हैं खत्म है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ अगर जंग का निशान पकड़ा हुआ है ना, वहाँ नमक डाल देंगे और रगड़ देंगे, आसानी से छूट जाएगा। तो चलिए अब हम इसको धो लेते हैं। तो देख सकते हैं अपना जो सिंक है ना, बिल्कुल क्लीन है दोस्तों, वैसे तो साफ था ये, केवल मैंने समझाया है। अब दोस्तों लास्ट में क्या करना है कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, यहाँ पे देखिए एक कपूर का टेबलेट है, ठीक है ना, जो कपड़ों में लोग लगाते हैं चूहे ना लगे, ठीक है ना। ये देखिए इस तरह से, अब इसमें कोई भी कीड़े मकोड़े नज़दीक नहीं आने वाले हैं, तो इसी तरह से अपना सिंक का ख्याल रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।